आज मैं आपको बताऊंगी एंडोमेट्रियल बायोप्सी के बारे में। तो ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्या है? जैसे कि आप सब जानते हैं, बच्चेदानी के अंदर जो लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो हमारे पास कई सारी लेडीज़ हैं जो 35 साल की उम्र से ऊपर आती हैं, जिनको ब्लीडिंग, काफ़ी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ब्लीडिंग में बहुत क्लॉट्स आ रहे हैं और उनको पूरे महीने में रुक रुक के इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही हैं, तो अगर बहुत सारे ब्लीडिंग में अबनॉर्मैलिटी है तो फिर हम ऐसे लोगों का स्कैन कराते हैं। और अगर स्कैन में अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस हम देखते हैं, अगर ये एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है तो फिर हम उनको एंडोमेट्रियल बायोप्सी करने के लिए बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर में बेसिकली हम एक औजार से बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है उसका एक पीस निकालते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग ज़्यादा चल रही है। तो ये प्रोसीजर दो तरीक़ों से किया जा सकता है। ये प्रोसीजर ओपीडी में भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव है और पेशेंट की पहले नॉर्मल डिलीवरीज हैं तो फिर ये प्रोसीजर ओपीडी में एक पीपल बायोप्सी करके एक पतला बायोप्सी पीपल आता है, पतला ऐसा ट्यूब आता है जिससे हम वो सैंपल ओपीडी में निकालते हैं। अगर पेशेंट को लगता है कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम ये ऑपरेशन थिएटर में भी करते हैं, बायोप्सी का प्रोसीजर जिसको हम DNC बोलते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटर। तो ये ऑपरेशन थिएटर में सुन करके करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि हमें एग्जैक्टली वो बायोप्सी लेने से पता चल जाता है कि बेसिकली पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। जैसे कई सारी जो लेडीज़ हैं जिनको मीनोपॉज हो जाता है, मीनोपॉज मतलब बंद हो जाता है, पीरियड बंद हो जाता है, उसके बाद भी अगर उनको ब्लीडिंग होती है तो ये प्रोसीजर करने पे हमको ये पता चलता है कि उनको कैंसर है या नहीं। तो ऐसे ये प्रोसीजर के काफ़ी एडवांटेजेस हैं और ये पेशेंट को देख के हम इसको एडवाइस करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्ला, अल्लाह हाफ़िज़।